इट्स मी निताबिश हेयर. कैसे हैं आप सब लोग? सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड दिस इज़ नॉट अ मेकअप वीडियो. ये जो है एक स्किन केयर वीडियो है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने जो है मेकअप वीडियोज़ काफ़ी बना ली थी लेकिन कोई स्किन केयर वीडियो नहीं बनी थी. तो मैंने कहा वाई नॉट. ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी सिस्टर ने रिकमेंड की, उन्होंने जो है फॉर वन मंथ यूज़ की थी. उनकी जो है वो एक्नी प्रोन स्किन है, उस पर रिजल्ट्स उनके बहुत अच्छे आए थे कि उनके एक्नी मार्क्स, जो पिगमेंटेशन मार्क्स इस तरह से रह जाते हैं डार्कनेस, वो बहुत हद तक जो है बहुत अच्छी हो गई थी, मतलब बहुत फेड हो गए थे. तो उन्होंने कहा कि आप भी ट्राई करके देखें, इनकी प्योर ऑर्गेनिक है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो है दिस हेयर एनर्जी क्लेंजर. ठीक है, ये मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम अ पेज नेम हेयर एनर्जी ऑफिशियल. ये इनका पेज नेम है और ये प्रोडक्ट है बाय आयशा सुहेब, हेयर स्किन एंड मोर. इसका प्रोडक्ट का नेम है टेक माय डे ऑफ डीप पोर डेली क्लेंजर एंड मेकअप रिमूवर. अच्छा ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं. इसमें जो इसका एंटी एजिंग फार्मूला है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टिंग है, नो पैराबेंस और अनसेफ प्रिजर्वेटिव्स, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, सुपर फूड्स हैं, प्रो विटामिन B5, एल्गी एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन ए एंड सी फॉर ऑल स्किन टाइप्स है. सारे इसमें गुड स्टफ़ है. ये जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, सो और सबसे इसकी बेस्ट बात जो इसमें ये है कि ये प्रोडक्ट आप अप्लाई करें, ठीक है, इसको वाटर से धोने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऑन द गो यूज़ करें तो इसको अपने अच्छे तरीके से अप्लाई किया और आप टिश्यू पेपर से भी क्लीन कर लेंगे एंड यू आर गुड टू गो. सही है, तो इसमें इन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि एन ऑयल फ्री वाइप ऑफ क्लेंजर डैट रिमूव्स इम्प्योरिटीज मेकअप एंड ऑयल. दिस जेंटल क्लेंजर रिमूव विदाउट वाटर टू हैव दोज लुकिंग टू क्लेंज देयर स्किन ऑन द गो. तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. अच्छा, वो लोग जो नहीं जानते कि हम क्लेंजर्स को एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं, सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बता दूं. आई नो मेजॉरिटी नोज इट, बट जिनको नहीं पता तो मैंने उनको बताया. ठीक है, इस तरीके से इनकी ये आपको मैं पैकेजिंग दिखा चुकी हूँ. इनकी मैंने दो प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवाई थी, एक ये क्लेंजर है और दूसरा जो है वो स्क्रब है. इस स्क्रब को की भी पैकेजिंग आपको दिखाती हूँ. स्क्रब की आई गेस देखें कितनी प्यारी सी पैकेजिंग है, लेवेंडर सी. सबसे पहले जो है हम फेशियल क्लेंजर अप्लाई करेंगे और इसके बाद जो है वो स्क्रब को अप्लाई करेंगे. सो आई एम सो एक्साइटेड, सो लेट्स अप्लाई इट, क्योंकि मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अगर जो ऑर्गेनिक हो तो वो बहुत अच्छी लगती हैं. सो लेट्स अप्लाई इट ऑन अ फेस. अच्छा जी, मैं इसके पम्प्स जो है पम्प है बहुत ईजी है तो थोड़े से पम्प्स ले लेते हैं. अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग सी सेंट है, बिल्कुल लेमन की जो इसकी जो है सेंट और सेंट आप कहें, बहुत रिफ्रेशिंग है, लेमन सी सेंट है. तो अप्लाई करने में भी मज़ा आ रहा है, बिल्कुल लेमन बिस्किट्स के जिस तरह कैसे होती है उस तरीके से है. अच्छे तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेंगे पूरे अपने फेस के ऊपर. ठीक है, इट जो है थिक सी कंसिस्टेंसी है इसकी और हम इसको देंगे. अभी मेरी स्किन काफ़ी जो है कुछ दिनों से विंटर्स की वजह से बहुत ज़्यादा ही ड्राई हुई हुई थी और बिल्कुल लिप सिचुएशन भी मेरी इस तरह की बुरी हालत में है, बहुत ड्राई हो रहे हैं लिप्स काफ़ी. एनीवेज, सो इतनी मैं नई प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करी थी इसी वजह से कि मेरे लिप्स और मेरा फेस काफ़ी जो है वो ड्राई हुआ हुआ था. अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से हम क्लेंस करते जाएंगे. सेम वही स्टेप्स आपने रिपीट करने जो क्लेंजिंग के होते हैं, फिंगर टिप्स को यूज़ करना है, बिल्कुल जेंटल सा स्किन के ऊपर आप इसको मसाज करते जाओगे, क्लेंस करते जाओगे. सिंपल आपने वही स्टेप्स रिपीट करना है लाइक दिस. डार्क सर्कल्स के लिए कि बिल्कुल आप इस तरीके से लेके जाएंगे ऊपर, स्ट्रेच एंड लाइक दिस. नोज को हम इस तरीके से करेंगे एंड दिस वे एज वेल, नोज हम इस तरीके से करते जाएंगे. स्किन को हमेशा ऊपर की तरफ करते हैं ताकि हमारे रिंकल्स ना बढ़ें और हमारी स्किन लटक ना जाए. तो इस तरीके से करते हैं. ठीक है, सेम मूवमेंट से मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ जो मैं अपनी फेशियल प्रोडक्ट्स जिसमें मैं ट्राई करती हूँ उसके अंदर मैं अच्छे तरीके से आपको ये मूवमेंट्स गाइड कर देती हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा डिटेल वीडियो में. तो अच्छा, प्रीटी मच मैंने अप्लाई कर लिया. अच्छा, ये जो है ना इस तरीके से कैसे कहूँ कि उतर किस तरीके से रही, कि बिल्कुल इस तरीके से फील हो रहा है आपको जैसे ये उतर रही हो. इसको आप इस तरीके से मसाज करते जाओ तो ये
पील ऑफ हो रही है, मतलब एक तरीके से क्या एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, किस तरीके से इसके निकल रही है। इस तरीके से निकाल रहे हो तभी जो है ये टिश्यू पेपर से भी क्लीन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि उसको आप वाटर से ही क्लीन करें। मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है, मैं इसको वाटर से क्लीन करके आती हूँ एंड देन हम जो दूसरी प्रोडक्ट है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया है एंड इट फील सो रिफ्रेशिंग। ठीक है, अब वो है हमारा इनका स्क्रब। अच्छा, इस तरह से लेवेंडर सी इसकी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में आते हैं। नेम है ग्लो एंड गो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, इंस्टेंट ग्लो फेशियल स्क्रब, ब्रिलियंटली ब्राइटनिंग फॉर्मुलेटेड विद नेचुरल स्किन एक्सफोलिएटिंग। अच्छा, ये काफ़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हलाल है ऑब्वियसली, इसमें नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स है, फॉर्मुलेटेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है, नो हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, ये सब है। और इसमें जो उन्होंने क्लेम्स किया है कि विद नेचुरल जोजोबा बीट्स आर पोर क्लेंजिंग स्क्रब फॉर्मुलेटेड विद नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स, जेंटली स्क्रब्स अवे इम्प्योरिटीज एंड डल डेड स्किन सेल्स एंड पेनिट्रेट्स डीप डाउन इनटू पोर्स टू डिटॉक्सिफाई, प्रूवन रिजल्ट्स ऑफ ब्राइटर एंड रीजेनरेटेड स्किन आफ्टर अ मंथ ऑफ यूज़। अच्छा, अब मंथ ऑफ यूज़ के बाद आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। This face is scrub contains natural salicylic acid from willow bark bio, nutrients to remove dirt, oil and makeup and gently wash away impurities for fresh clear skin. अच्छा, आपको मैं बताती हूँ, चलो कि salicylic acid जो है वो skin के लिए बहुत अच्छा होता है, so इसमें वो भी है। Suitable for even acne prone skin. अच्छा, scrubs जो है वो acne prone skins को ज़्यादातर suit नहीं करते, अगर बहुत ज़्यादा acne वाली skin होती है तो वो scrubs ना use करें, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये suitable है एक्नी प्रोन स्किन के लिए। जेंटल इनफ फॉर एवरीडे यूज़ के लिए भी है सूटेबल। वॉर्न क्लॉक पोर्स एंड हाइपोएलर्जेनिक है, 94% नेचुरली डिराइव्ड है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें कोई केमिकल सल्फेट्स एंड पैराबिन्स वगैरह जो है वो नहीं है, तो मीन्स ये प्योर ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है। इसको भी अप्लाई करके हम देखते हैं कि किस तरह से है। इस तरह के इनका बॉक्स बड़ा क्यूट है, लेवेंडर सा। अच्छा, इस तरीके से इसका जार है ये। ठीक है, Be the best version of you. मैं क्या हुआ है, अच्छा इसके जो मैंने खोला है, आई नो इसमें कैमरे में तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो काफ़ी फाइन हैं, बिल्कुल फाइन से ग्रैन्यूल्स हैं। लेट्स अप्लाई इट ऑन आवर फेस एंड देन वील सी द रिजल्ट। अच्छा, इसकी सेंट भी बहुत अच्छी है, जैसे उसकी बिल्कुल लेमन सी रिफ्रेशिंग सी सेंट ही, इसकी भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल फ्रूटी सी है। लेट मी गेस द फ्रूट कि किस तरीके की मुझे लग रही है। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ही लगा लिया। अच्छा, अब हम इसको जेंटली से सेम वही स्टेप्स करेंगे और मसाज करेंगे अपनी स्किन के अंदर, स्क्रब करते जाएंगे अपनी डेड स्किन को। अच्छा, आपको स्किन केयर की वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती हैं या मेकअप वीडियोस? हर किसी की प्रेफरेंस होती है, किसी को स्किन केयर वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और किसी को मेकअप वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। सो व्हाट्स योर प्रेफरेंस बाय द वे, कि आपको स्किन केयर ज़्यादा पसंद है या आपको मेकअप की है? मैंने ये अपनी सिस्टर की रिकमेंडेशन पर ट्राई किया है जी, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। इसकी मैंने दो प्रोडक्ट्स अभी तो परचेज़ की हैं। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने ख़ुद परचेज़ की हैं। अच्छा, इसकी सेंट बिल्कुल आलू बुखारे जैसी, या बिल्कुल जिसे लोग आलू चाय कहते हैं, बिल्कुल वैसी है।
अब अपना फेस वॉश करके आती हूँ एंड देन आई विल बी राइट बैक. आई हैव वॉश्ड माय फेस एंड आई एम लविंग द रिजल्ट्स. बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है. जो प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं वो फर्स्ट टाइम यूज़ करने में पता चल जाती है कि वो कितनी अच्छी. सो आई टोटली लव दिस प्रोडक्ट्स. बहुत अच्छी है उनकी जो सेंट है वो बहुत अच्छी है. रिजल्ट बहुत अच्छा है और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे इस पेज के ऊपर जो है. सो आप लोग ज़रूर इसको चेक करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी. स्किन केयर वीडियोज़ में और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा करूँ एज़ कम्पेयर टू मेरे मेकअप वीडियोज़ की स्किन केयर थोड़ी सी कम होती है. लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट मोर ऑफन. और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल अपलोड अ वीडियो. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट